अपने पापा मम्मी के लाडली बिटिया के नाम से जानी जाती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई, शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड का नाम मेरे नाम से जुड़ा। मैं बहुत खुश थी, मुझे वो नाम भी बहुत पसंद था एंड मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। फिर मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, फिर मुझे सब ने मेरे बच्चों के नाम से जानना शुरू किया। मैं उसमें भी बहुत खुश थी, मुझे वो प्यारा नाम, मेरे बच्चों का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता था। बट धीरे धीरे बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होने लगे, बड़े हो गए, हस्बैंड भी अपने बिजनेस में मस्त रहने लगे, तो मुझे अब इतना खाली टाइम मिलने लगा कि मुझे अब कुछ अपने लिए तलाश थी। और मुझे ऐसे में साथ दिया मीशो ने। जी हाँ, मुझे उस समय मीशो का साथ मिला जिस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी कुछ अपना करने की, अपने आप को एंगेज करने की। और आज ऑलमोस्ट एक साल बाद आज मुझे कोई मेरे बच्चों के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं बुलाता। आज आप सब भी मुझे सुनहरी के नाम से जानते हैं और ये आइडेंटिटी मुझे मिली मीशो में काम करने के बाद। आज मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना काम करने का तरीका है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे अपने सपने हैं और इन सपनों में उड़ान भरने की ताकत मुझे किससे मिली? मीशो से। थैंक यू सो मच मीशो आज मुझे सुनहरी बनाने के लिए। थैंक यू।